हेलो एवरीवन, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं प्रियंका आपको साइकोलॉजी का टॉपिक पढ़ाऊंगी जो कि बंडूरा की थ्योरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सोशल लर्निंग थ्योरी का नाम है बंडूरा की थ्योरी। तो इसके दूसरे नाम देख लो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, सोशल लर्निंग थ्योरी, ऑब्जर्वेशनल थ्योरी, मॉडलिंग थ्योरी। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसको जो हिंदी में बोलते हैं सामाजिक अधिगम सिद्धांत, प्रेक्षणात्मक सिद्धांत, निरीक्षण सिद्धांत। ठीक है, इसमें से भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसका नाम याद होना चाहिए और इसका मतलब भी पता होना चाहिए। ठीक है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत क्यों है, ऑब्जर्वेशन सिद्धांत कौन सा है और निरीक्षण सिद्धांत कौन सा है, तो ये पता होना चाहिए। लेकिन पहले, इससे पहले मैं आपको एक्सपेरिमेंट करवा देती हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं। ठीक है, तीन एग्जाम्पल, तीन जो है एक्सपेरिमेंट किए हैं बंडूरा ने। ठीक है, किस किस पर किया है? पहला तो बालक पर किया है। ठीक है, बालक पर किया है, तीन बालकों पर किया है। दूसरा किया बेबी डोल पर और तीसरा किया जोकर पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या है इसमें? यही है, इसमें बंडूरा ने ना बच्चों को, मतलब तीन बालकों को फिल्म दिखाई है, एक ही फिल्म दिखाई है, उसके अलग अलग भाग दिखाए। ठीक है स्टूडेंट्स, और क्या है इसमें? पहले बालक को फिल्म दिखाई और उसका फर्स्ट पार्ट दिखाया। ठीक है, और उसमें क्या दिखाया गया कि एक अपराधी है, उसने अपराध किया तो उसको रिवार्ड दिया गया। ठीक है, और दूसरे बालक को सेकंड पार्ट दिखाया गया, उसमें वही दिखाया गया कि एक अपराधी ने अपराध किया बट उसको पनिशमेंट दी गई। ठीक है, तीसरे बालक को क्या दिखाया गया? तीसरे बालक को एक फिल्म दिखाई गई जो उसके दोनों पार्ट दिखाए गए। ठीक है, उसमें दिखाया गया कि एक अपराधी ने अपराध किया, उसको क्या रिवार्ड भी मिला और पनिशमेंट भी मिली, दोनों चीज़ मिली, बट बच्चों का क्या था? नो रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि उन बच्चे जो देखते हैं वही देखकर वही सीखते हैं, है ना। तो मैं बताना चाह रही हूँ कि जो है उसके बाद तीनों फिल्म दिखा दी, उसके बाद बच्चों से पूछा गया, बच्चों तुमने क्या देखा इस फिल्म में, क्या किया है। ठीक है, उनसे पूछा गया तो बच्चों ने यही जवाब दिया, जो उन्होंने देखा ना फिल्म में वही उनका जो था जवाब था, उन्होंने वही अपने आंसर दिया। ठीक है, अब पहले बच्चे ने क्या देखा? पहले बच्चे ने देखा कि एक अपराधी ने अपराध किया तो बट उसको रिवार्ड दिया गया। ठीक है, उससे वो मोटिवेट हो गए। बट दूसरे बच्चे ने देखा कि जो अपराधी ने अपराध किया उसको पनिशमेंट दी गई। तीसरे बच्चे ने देखा कि ना तो उसको, दोनों चीज़ें दी गई। ठीक है, तो उन बच्चों को क्या था? नो रिएक्शन था। ठीक है, अब इसमें बस मैं यही बताना चाह रही हूँ कि बच्चे ने जो देखा ना तो वो उससे मोटिवेट होता है। ठीक है, तो उसमें इसने मोटिवेट हो गया, क्यों? उसको प्रेज मिली, रिवार्ड मिला, उसको पनिशमेंट मिली। ठीक है, और इसमें क्या है? नो रिएक्शन है। तो बच्चे क्या है? बच्चे अनुकरण के द्वारा सीखते हैं, बच्चे कॉपी करते हैं, बच्चे जो हैं जैसे देखते हैं वैसे ही सीखते हैं। ठीक है, आगे हमारा है बेबी डोल पर है। बेबी डोल का एग्जाम्पल है बच्चों, बेबी डोल क्या है? इसमें क्या है? इसमें जो एक बच्चा है और इसमें एक बेबी डोल है, वो दोनों खेल रहे हैं। ठीक है, और क्या किया बच्चे ने मतलब क्या किया? तोड़ दिया इसको, किसको? बेबी डोल को, खेलते खेलते। इसमें ये ना एक, ये दो चीज़ें हैं। देखो स्टूडेंट्स, ये तो हमारे टीवी पर चल रहा है ये वाले सीन। ठीक है, यहाँ पर रियल में है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक बच्चा है, यहाँ पर बेबी डोल है, ये भी खेल रहे दोनों साथ में। ठीक है, साथ में खेल रहे हैं। फिर क्या है, वो ये जो खेल रहे हैं यहाँ पर, ये रियल में है, ये दोनों देख रहे हैं, ये टीवी देख रहे हैं। टीवी में जैसे जैसे इसका सीन आया है, जैसे इनका चल रही थी एक फिल्म चल रही थी इसमें भी, तो क्या उन्होंने क्या देखा? इसमें भी एक बच्चा है और वो क्या कर रहा है? वो भी बेबी डोल के साथ में खेल रहा है। उसने क्या किया कि बच्चे ने खेलते खेलते बेबी डोल के जो है बेबी डोल को तोड़ना शुरू कर दिया, मतलब हाथ पैर उसके तोड़ने शुरू कर दिया। ठीक है, तो बच्चा इधर बैठा हुआ था, बच्चा भी खेल रहा था, तो बच्चे ने क्या किया? बच्चे ने यही देखा कि ये इसको खेलते खेलते तोड़ रहा है, इसके हाथ पैर तोड़ रहा है, तो उसने भी ऐसे ही शुरू कर दिया। तो इसने भी ऐसे ही अनुकरण के द्वारा सीखा ना बच्चों ने, जैसे बच्चे ने देखा वैसे ही करा, है ना स्टूडेंट्स। तो इसमें यही बताया है, बच्चे ने जैसे देखा वैसे ही किया। ठीक है, अनुकरण के द्वारा उसने सीखा। अब क्या तीसरा एक्सपेरिमेंट है जोकर पर। अब जोकर पर क्या है? जोकर में है ना, देखो स्टूडेंट, एक बगीचा था, उसमें जो बच्चे थे और वो एक सजीव जोकर भी आया हुआ था, तो सजीव जोकर ने जो है बच्चों के साथ में खेलना शुरू कर दिया क्या, और वो खेलते हुए क्या किया, जोकर ने बच्चों से हाथ मिलाने शुरू कर दिए।
ठीक है, हाथ मिलाए और फिर उनको देख देख कर हंस रहा था। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर क्या हुआ, वो जोकर चला गया, फिर वो ख़त्म हो गया। उसके थोड़े दिनों बाद जैसे ही बच्चे जोकर को देखते हैं तो वैसा ही रिएक्शन दिखाते हैं, जैसा जो बच्चों ने देखा वैसे ही किया, है ना स्टूडेंट्स। तो बच्चों ने जैसे देखा था कि जोकर जो है वो हाथ मिला रहा है और खुश हो रहा है, देख देख कर हंस रहा है, तो बच्चों ने भी ऐसे ही करना शुरू कर दिया। तो तीनों एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला, क्या रिजल्ट निकला, यही रिजल्ट निकला कि जो बच्चे देखते हैं ना, जो बच्चे देखते हैं वही करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बच्चे जो है अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। ठीक है, जैसे बच्चे अपने सामने देखते हैं वैसे ही वो करने की कोशिश करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आ गया, मैंने क्या बताया आपको, मैंने यही बताया आपको कि एक एक्सपेरिमेंट किया है बंडूरा ने, तीन पर एक्सपेरिमेंट किया है, एक तो बालक पर किया, दो एक तो बालकों पर किया है, एक बेबी डोल पर किया है और एक जोकर पर किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पता चल गया। अब मैं आपको इसके वो बताती हूँ, मॉडलिंग थ्योरी के चरण है, कोई तीन तीन चार चरण है, वो बता देती हूँ, उनके नाम बता देती हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, नाम बता देती हूँ, देख लो कौन कौन से चरण है। ठीक है, पहला है अटेंशन, अनुकरण के चरण भी लिख सकते हैं या फिर मॉडलिंग के चरण। ठीक है, चार चरण है वो बता रही हूँ मैं, अटेंशन फर्स्ट है, सेकंड है रिटेंशन, थर्ड है रिप्रोडक्शन, फोर्थ है मोटिवेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अनुकरण के चार चरण होते हैं, बस बच्चे जो है कैसे सीखते हैं। अब बच्चे कैसे सीखते हैं, अच्छा एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। ठीक है, अब एक बॉलीवुड का कोई हीरो है, जैसे अब शाहरुख खान है, अब शाहरुख खान का डांस है। ठीक है, बच्चे कॉपी करते हैं, कैसे कॉपी करते हैं, पहले तो बच्चे ध्यान देंगे मतलब अटेंशन देंगे ना अटेंशन, क्यों, अब जैसे वो टीवी पर चल रहा है, उसका प्रोग्राम चल रहा है, वो डांस कर रहा है, तो बच्चे देख रहे हैं, तो अटेंशन दी उसने। फिर उसके बाद क्या किया बच्चों ने, जो रिटेंशन मिस मेमोरी, अब उसने जो इसके डांस के स्टेप है उसको याद करने की कोशिश की ना बच्चों ने, अब बच्चों ने याद करने की कोशिश की तो वो रिटेंशन में आएगी, मेमोरी में, बच्चे के मेमोरी में गया। फिर क्या हुआ, फिर बच्चों रिप्रोडक्शन हुआ। ठीक है, रिप्रोडक्शन कैसे हुआ, अब बच्चों ने मेमोरी में अपने सेव कर ली। ठीक है, अब क्या किया रिप्रोडक्शन, जैसे अब वो करने की कोशिश करेगा कि शाहरुख खान ने डांस कैसे किया, तो उसके स्टेप करने की कोशिश करता है। ठीक है, अब फिर बाद में वो उसको सक्सेस मिल गई, तो अब वो मोटिवेट हो गया। ठीक है, अब उसको वो है मोटिवेट हो गए, फिर वो सीख गया, अब उसको सक्सेस मिल गई। ठीक है, उसने कोशिश की, यहाँ पर करने की कोशिश की शाहरुख खान के डांस की करने की, उसके बाद उसको मोटिवेट हो गया, उसको प्रेज या फिर जो भी चीज़ मिलती है, प्रेज या फिर पनिशमेंट, अगर वो अच्छा करेगा तो रिवार्ड मिलेगा, उसको पनिशमेंट जब मिलेगी जब वो अच्छा नहीं करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, में तो मैंने इसमें सिर्फ यही बताया कि अनुकरण के चरण है, बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे चार तरह से सीखते हैं, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन या फिर मोटिवेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या है, अब अनुकरण के चरण हो गए, अब एक बात और बता देती हूँ बच्चों, देखो मॉडलिंग और मॉडल में क्या डिफरेंस है, बच्चे इसमें है ना कंफ्यूज रहते हैं, इसमें दोनों में कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, मॉडलिंग क्या है और मॉडल क्या है, अच्छा स्टूडेंट्स मॉडल पता है क्या होता है, मॉडल वो होते हैं जो बच्चे जिसका जो है बच्चे कॉपी करते हैं, जिसको देखकर जो बच्चे कॉपी करते हैं, जैसे अब शक्तिमान का एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, अब शक्तिमान था वो अपने एपिसोड में जैसे अलग अलग चीज़ें करता था, जैसे घूमता था ऐसे ऐसे करके घूमता था, या फिर कभी कभी वो और तरह से कई चीज़ें करता था, तो बच्चे क्या करते थे, बच्चे उसको कॉपी करते थे ना, तो कॉपी करते थे तो वो तो मॉडलिंग हो गया अनुकरण के द्वारा जो बच्चे सीखते हैं। ठीक है, और शक्तिमान क्या हो गया, शक्तिमान हो गया मॉडल, क्यों, बच्चों के लिए मॉडल हो गया, बच्चे उससे सीख रहे हैं, वो मॉडल की तरह हो गया ना शक्तिमान, तो ये मॉडलिंग हो गया, शक्तिमान हो गया मॉडल और मॉडलिंग हो गया जो बच्चे अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो मैंने आपको ये समझा दिया बंडूरा की थ्योरी, तो आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या बताया। ठीक है बच्चों, तो मैंने इसको आपको एक्सप्लेन करके बता दिया, डिस्क्राइब करके बता दिया, तो आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या क्या बताया। एक बार रिवाइज करवा देती हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स, वैसे बता देती हूँ। मैंने बंडूरा की थ्योरी बताई है, मैंने ये बताया उसके जो है तीन चार नाम है वो पता होने चाहिए, जैसे सोशल लर्निंग थ्योरी है, ऑब्जर्वेशनल थ्योरी है, या फिर तीन चार नाम है जैसे प्रेक्षणात्मक है हिंदी में, निरीक्षण है, निरीक्षण सिद्धांत है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत है। ठीक है, ये बच्चों समझ में आना चाहिए, ये आते हैं KVS या CTET वगैरह में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और मैं आपको करवाऊंगी, क्वेश्चंस भी करवाऊंगी इससे रिलेटेड। ठीक है, तो मैंने अब क्या बताया, मैंने तीन एक्सपेरिमेंट बताए, बंडूरा ने तीन एक्सपेरिमेंट किया, किस किस पर किए थे, बालक पर किया, जोकर पर किया और बेबी डॉल पर। ठीक है, वो आपको पता चल गए होंगे। और मैंने फिर बताया अनुकरण के चार चरण, क्या बताया, मैंने बताया पहले अटेंशन, फिर रिटेंशन, फिर रिप्रोडक्शन, फिर आओ मोटिवेशन। ठीक है, और फिर मैंने बताया एक लास्ट मॉडलिंग और मॉडल में क्या डिफरेंस है। ठीक है स्टूडेंट्स, और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।